जम्मू पुलिस को जम्मू के अरनिया सेक्टर में पकड़ी गई 62 किलो हीरोइन के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग स्मगलर्स से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच की माने तो इस केस में पाकिस्तान के नार्को टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी सामने आ रही है। पाकिस्तान के नापाक प्लान का खुलासा। इस पे पाकिस्तान के भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने ड्रग्स को सप्लाई किया था। नार्को टेरर का इंटरनेशनल मॉड्यूल एक्सपोज। और दुबई बेस्ड भी कुछ स्मगलर्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है पाक। आतंकवाद के साथ लिंक होने की संभावना है इस केस में। एक दो नहीं 62 पैकेट हैं ड्रग्स के जो आतंक की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान के नापाक प्लान की गवाही दे रहे हैं। दरअसल अरनिया सेक्टर में सरहद पर बने फेंसिंग के नीचे से पीवीसी पाइप के जरिए ड्रग्स के इन पैकेट को भेजा जा रहा था, लेकिन बीएसएफ की चौकन्नी निगाहों ने इसे पकड़ लिया। इन पैकेट के साथ 2 चीनी पिस्तौल भी बरामद हुई। बॉर्डर पार से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद फैलाने की कोशिश तो कर ही रहा है, साथ ही नार्को टेररिज्म भी अब पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अरनिया में जो ड्रग मिली थी उसमें 7 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 19-20 सितंबर को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ड्रग्स को जब्त किया था, लेकिन इस कंसाइनमेंट की बरामदगी के बाद पुलिस ने अब एक और बड़ी कामयाबी पाई। पुलिस ने इस केस में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले अरनिया के एक शख्स जसराज को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अरनिया और अखनूर से 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने ड्रग स्मगलिंग के किंगपिन गुरप्रताप को पंजाब से दबोचा। पुलिस की माने तो इस ड्रग स्मगलिंग के तार पाकिस्तान, दुबई और दूसरे देशों में फैले हुए हैं। इनकी पूछताछ में ये पता चला कि ये जो कंसाइनमेंट है, जम्मू की एक पार्टी जो बहुत पुराने स्मगलिंग केसेस में इन्वॉल्व रही है वो इसमें शामिल है, जिसमें कि राजू और काला ये 2 पुराने स्मगलर रहे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। ये अखनूर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके खुलासे पे गुरप्रताप सिंह जो कि तरन तारण का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के 7 गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसमें। इस पे पाकिस्तान के भी कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने ड्रग्स को सप्लाई किया था और दुबई बेस्ड भी कुछ स्मगलर्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस को यकीन है कि इस ड्रग स्मगलिंग के तार नार्को टेरर से भी जुड़े हो सकते हैं।